हेलो गाइस, वेलकम टू फन कोडिंग। आज की ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने वेब पेज के नेवबार के लिंक के पे क्लिक करके आप किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन पे इजीली जा सकते हैं। जैसे मैंने ये कैटेगरी क्लिक किया तो कैटेगरी पे आप चले गए, लेटेस्ट पे तो आप क्लिक करके किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन पे आप जा सकते हैं और आप किस तरह से जो है वो स्क्रॉलिंग को स्मूथ करवा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। अब मैं फाइल पे जाऊंगा, फाइल पे और ओपन फोल्डर। मैं पहले से एक वेबसाइट ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उस वेबसाइट में हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट को हम इस तरह से बनाएंगे कि आप किसी भी नेवबार में किसी भी लिंक को आप क्लिक करके आप पर्टिकुलर सेक्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने वेबसाइट बनाया है, ई कॉमर्स वेबसाइट सेलेक्ट फोल्डर। ये देखें, ये मेरा पूरा कोड है इस वेबसाइट का। इसे ओपन कर लेते हैं सबसे पहले लाइव सर्वर के साथ। तो ओपन विद लाइव सर्वर, ये देखें वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो ये हमारी वेबसाइट है जो कि हमने बनाई हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट को बनाना सिखाऊं, मैं आपको इस पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, तो इस पे भी इंशाल्लाह वीडियो बना लेंगे। ये मेरी पूरी वेबसाइट है, ये पूरी वेबसाइट है। अब इसमें क्या करेंगे, मैं जब भी यहाँ होम पे क्लिक करूँगा तो मुझे होम वाले सेक्शन पे ये ले जाए, कैटेगरी पे क्लिक करूँगा ऐसे ही लेटेस्ट में क्लिक करूँगा तो ये उस सेक्शन में मुझे ले जाए। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने ब्राउज़र ओपन कर, सॉरी विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका सेक्शन है, जिस आप सेक्शन में जाना चाहते हो उसमें आईडी आप लगाओगे। अच्छा, तो सबसे पहला मेरा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन वन है, इस पे मैं लगाऊंगा आईडी। आईडी मैंने लगा दिया होम के नाम से। अच्छा, उस सेक्शन पे आईडी लगाने के बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे नेवबार पे। ठीक है, नेवबार में जाओगे, ये हमारा होम है। मैं चाहता हूँ कि इस होम को क्लिक करके मैं जाऊँ इस सेक्शन वन पे। मैं क्या करूँगा, इस एंकर टैग के अंदर क्या लगाऊँगा, ये आईडी है। आपको पता है कि आईडी के लिए हम हैश लगाते हैं और क्लास के लिए हम डॉट लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें लगाऊँगा हैश, हैश और आईडी मैंने किस नाम से दिया हुआ है, होम, मैं यहाँ लिख दूंगा होम। ठीक है, इसी तरह कैटेगरी के लिए, तो कैटेगरी के लिए क्या करेंगे, जो हमारा सेक्शन टू है, ये सेक्शन टू है मेरा। ठीक है, इसमें क्या कर दूंगा, इस सेक्शन टू पे मैं लगा दूंगा आईडी और आईडी मेरा क्या होगा, कैटेगरी। आईडी लगाने के बाद क्या करूंगा, जो ये मेरा एंकर टैग है, इस कैटेगरी को मैं क्लिक करूं तो मैं इस कैटेगरी वाले सेक्शन टू पे चला जाऊं। तो मैं इसमें क्या करूंगा, लगाऊंगा हैश और कैटेगरी। इसी तरह से बाकी सब के लिए भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैश लेटेस्ट, मैंने यहाँ लगा दिया हैश ब्लॉग, ये पेजेस और ये हैश कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इस तरह से अब हम जितने भी हमारे नीचे सेक्शन जो उसमें हम ये लगा देंगे। अब चलते हैं हम ब्राउज़र पे। जैसे मैं होम को क्लिक करूँ, ये देखिए होम वाला सेक्शन ओपन हो रहा है।
आप जिसको क्लिक करेंगे वो आपको पार्टिकुलर सेक्शन पे, उस पार्टिकुलर सेक्शन पे आपको ले जाएगा। तो ये हमने किससे किया, बस आईडी से। आप आईडी लगाओ उस सेक्शन में और ऊपर जाके आप एंकर टैग के अंदर उस आईडी को जो है वो दोबारा से राइट डाउन कर दो हैश के साथ, ठीक है। जैसे ही लेटेस्ट को क्लिक करेंगे तो ये देखिए लेटेस्ट वाला सेक्शन खुल रहा है। आप जैसे ब्लॉक को क्लिक करें तो ब्लॉक वाला सेक्शन, अब ये पेजेस को क्लिक करेंगे तो ये पेजेस वाला सेक्शन खुल रहा है, और जैसे कॉन्टैक्ट को क्लिक कर रहे हैं तो ये कॉन्टैक्ट वाला पेज, ठीक है, सेक्शन खुल जाएगा। इस तरह से आप किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन पे जा सकते हैं। अच्छा ये देखें, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे बगैर स्क्रॉलिंग के ले जा रहा है। तो मैं आप इसको कैसे स्मूथ स्क्रॉल करवा सकता हूँ, वो बहुत सिंपल एक लाइन का कोड है। वो क्या करेंगे, हम CSS में जाएंगे। CSS में क्या करेंगे, CSS में उठाऊंगा HTML, जो मेरा HTML टैग है वो मैंने उठाया, और इसके अंदर क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी आती है इसमें जिसको हम कहते हैं स्क्रॉल बिहेवियर, ठीक है, स्क्रॉल बिहेवियर। और स्क्रॉल बिहेवियर हम क्या कर देंगे, स्मूथ, ठीक है। ये करने के बाद अब क्या होगा, अब आप ब्राउजर पे चलते हैं। ये देखिए जब मैंने होम क्लिक किया, ये देखिए अब स्क्रॉल हो रहा है स्मूथली। जैसे मैंने क्लिक किया कैटेगरी, ये देखिए कैटेगरी पे आ गया स्क्रॉल करके। लेटेस्ट पे क्लिक किया, ये लेटेस्ट पे आ गया स्क्रॉल करके। इसी तरह से ब्लॉग पेजेस और ये आपका आ गया कॉन्टैक्ट। ये देखें, अब आप एक लाइन ऑफ कोड के बस आपको क्या करना है, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ कर देना है और ये स्क्रॉलिंग स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी अपने किसी भी वेबसाइट में आप पर्टिकुलर सेक्शन पे जा सकते हैं और स्क्रॉलिंग बिहेवियर को आप स्मूथ बना सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यू एंजॉयड द वीडियो गो एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।